Hi, how are you? Hope you are doing fine. This is Kushbu with another question of real numbers. This is question number 3, exercise 1.2 from NCERT, page number 11. Hi, let's see an LCM of the following pair of integers by applying the prime factorization method. So, hume prime factorization method apply karke LCM aur HCF find karna. So, first hamare paas diya hua hai 17, 23 or 29 ka. 17 ka LCM. 17 का एलसीएम अगर हम लें 17 वन सा दैट्स इट 23 का एलसीएम 23 वन सा 29 का एलसीएम 29 वन सा सो ये हमारे पास आते हैं इनके एलसीएम तो 17 का एलसीएम क्या है 17 वन सा 23 का एलसीएम इज 23 वन सा 23 29 का 29 वन सा सो सबसे पहले अगर मैं इसका एच सी एफ निकालू एच सी एफ क्या आता है हमारे पास तीनों में कॉमन क्या है जस्ट वन सो इसका एच सी एफ हमारे पास आ गया वन नाउ एलसीएम एलसीएम तीनों में क्या है एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं जितनी भी हमारे पास जो तीन डिजिट्स दिए हुए हैं उसके तीनों जो भी डिजिट उसके पास आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स जो आ रहे हैं आप पहले उनको उतार के लिखते हो तो तीन डिफरेंट नंबर्स क्या आ रहे हैं इसके पास 17 आ रहा है 23 आ रहा है और 29 आ रहा है देन हम ये देखते हैं कि इनका हाईएस्ट किसके पास आ रहा है 17 सिर्फ इसके पास है एक ही है तो यहां पर एक ही 17 आएगा 23 सिर्फ इसके पास है एक ही है तो एक ही 23 आएगा 29 सिर्फ इसके पास है एक ही है तो 29 इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियो जिसमें हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाया है उसमें अगर आप देखो तो कई क्वेश्चंस में ऐसे थे लेट्स सपोज इसके पास 23 दो आते तो मैं यहां पर 23 का स्क्वायर लिखती हम हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं पहले हम डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स लिखते हैं फिर हम हाईएस्ट पावर निकालते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है उसको लिखते हैं सो 17 × 23 × 29 इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 17 × 23 391 × 29 35 2 9 are 18 2 3 are 6 is 7 5 13 4 11 so हमारे पास आ गया 1 1 3 3 9 this is the LCM so LCM is 1 LCM is 1 1 3 3 9 now part number 3 which is 8 9 and 25 सो थर्ड पार्ट में 8, 9 और 25 पहले 8 का हम एलसीएम लेते हैं सो 2 6 2 4 2 2 2 1 नाउ 9 का 3 3 3 1 सेम वे 25 का 5 5 5 1 5 1 सो हमारे पास ये नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 × 2 × 2 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 अब एचसीएफ क्या आता है हमारे पास एच सी एफ हमारे पास आ रहा है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में तो तीनों के पास वन तो माना जाएगा अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता किसी चीज में तो वन तो हर किसी के फैक्टर है तो एच सी एफ हमारे पास आ गया वन क्योंकि अगर आपको अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वन लगा भी देती हूँ इसके आगे क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा नहीं तो वन हर किसी का फैक्टर है इसलिए हम कहते हैं कि वन कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ जाता है वन नाउ एलसीएम एलसीएम के लिए फिर से वही चीज डिफरेंट डिजिट्स तीन तरह के डिजिट्स हैं हमारे पास यहां पर 2 3 and 5 सो 2 3 5 तीनों को लिख दिया पहले 2 3 and 5 अब आप देखो 2 मैक्सिमम इसके पास है और किसी के पास 2 नहीं है
और तीन बार आ जाए तो हम टू का हाईएस्ट पावर रखेंगे थ्री, थ्री सिर्फ इसी के पास है और दो बार आ रहा है तो थ्री का हाईएस्ट पावर टू रखेंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो आ रहा होता है वो नंबर लेते हैं एलसीएम के लिए। फाइव मैक्सिमम दो बार ही आ रहा है। लेट्स सपोज मैं कोई एग्जांपल दूं, अगर फाइव इसके पास भी होता तो भी हम फाइव का मैक्सिमम पावर टू ही रखते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास फाइव तो है लेकिन हाईएस्ट किसके पास है? इसके पास। तो जो हाईएस्ट होता है उस वाले को हम लिखते हैं। सो फाइव का मैक्सिमम पावर आ गया यहां से टू। अब एलसीएम क्या बन गया? टू का क्यूब इज एट, थ्री का स्क्वायर इज नाइन, फाइव का स्क्वायर इज 25। सो 25 इंटू एट इज 200, इंटू नाइन इज इक्वल टू 1800। सो 1800 आ गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएम इज 1। सो दिस वॉज थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये चीज समझ नहीं आ रही है, प्लीज टू राइट टू अस। इसका जो लास्ट वीडियो अगर आप वो देखोगे इसके लिए, उसमें हमने बिगिन से समझाया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिखना है। और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज टू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।